राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने चचेरे भाई व शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मिलने बांद्रा स्थित उनके घर मातोश्री पहुँचे। दोनों के बीच ये मुलाकात 90 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर भी बात हुई। बीजेपी और शिवसेना हालांकि करीब दो दशक से सहयोगी रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार और यहां तक कि केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के साथ भी शिवसेना की आए दिन तनातनी देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से तो दोनों दलों के बीच एक तरह के शीत युद्ध की ही स्थिति देखने को मिल रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब उन्हें पूरे राज्य के मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी नई जिम्मेदारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तराखंड के प्रभारी बने रहेंगे। गौरतलब है कि दयाशंकर सिंह प्रकरण में बीजेपी ने सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन चला रखा है। उधर बीजेपी से निष्कासित हुए नेता दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी खारिज होने के बाद वे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी तेज कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होनी है। अध्यात्म की इस प्राचीन पद्धति के लिए केजरीवाल 30 जुलाई को नागपुर के अध्यात्म केंद्र में दाखिला लेंगे, जहां किसी तरह के अखबार, टीवी या मीडिया के संपर्क में नहीं रहेंगे। इस दौरान सरकार का कामकाज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभालेंगे। गौरतलब है कि 2014 में लोकसभा चुनाव अभियान के वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने इस सत्र में भाग लिया था। इसके एक साल बाद आप ने फरवरी 2015 में भारी वोटों से दिल्ली चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच खींचतान का खेल जारी है। वैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपक्षना में काफी रुचि है और ऐसा भी कहा जाता रहा है कि वे राजनीति से रिटायर होने के बाद अपना जीवन विपक्षना को समर्पित करना चाहते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने चेन्नई में बताया कि हड़ताल को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, इसे पूरे देश में बुनियादी बैंक सेवाएं प्रभावित होंगी। वेंकटचलम ने कहा कि सरकार के साथ मांगों को लेकर वार्ता विफल होने के कारण बैंक कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने इस हड़ताल से लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने सभी खाता धारकों से अपील करते हुए कहा, हमारी मांगे वेतन बढ़ोतरी को लेकर नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 2010 में 5 करोड़ रुपए लिए थे। कर्ज न चुकाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे केस में वे कई बार झूठे वादे कर चुके हैं। राज्यपाल यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में 4 दिन काटे थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने दिसंबर 2013 में एक न्यायाधीश की दी गई सजा बरकरार रखी और कहा कि प्रक्रिया का पालन करने में यादव की नाकामी को स्वीकारा नहीं जा सकता। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी पर सदन में अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस पर हंगामा शुरू हुआ और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऊपरी सदन में शुक्रवार को कश्मीर हिंसा के मुद्दे को भी उठाया गया। कांग्रेस ने नकवी पर आरोप लगाए तो बाकी विपक्षी दल भी समर्थन में उतर आए। इसके बाद सदन में शोर बढ़ गया। इंडोनेशिया सरकार ने परिजनों, मानवाधिकार समर्थकों और विदेशी सरकारों की माफी की सभी अपील ठुकरा दी है। गुरदीप समेत 14 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि गुरुवार को इनमें से 4 को मौत की सजा दे दी गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरदीप की पत्नी से फोन पर बात की है। घर में मातम का माहौल है, लेकिन पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को अब भी आशा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मौत की सजा की व्यवस्था कर जाएगी। जालंधर के रहने वाले 48 साल के गुरदीप को 300 ग्राम हेरोइन के साथ 2004 में गिरफ्तार किया गया था। सड़कों पर गाड़ियों की नहीं खत्म होने वाली खतार के बीच शुक्रवार सुबह एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। इलाके में एहतियातन धारा 144 लागू की गई है। वहीं पुलिस ने दिल्ली के लोगों से गुड़गांव की तरफ नहीं आने की अपील की है। सड़क पर महाजाम के मद्देनजर गुड़गांव के कई स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। NH8 और सोहना रोड पर सबसे अधिक और लंबा जाम लगा है। वहीं हालात से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने जिम्मेदार विभागों साथ
की बैठक की है। इस बीच गुड़गांव पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि अगर वे दिल्ली से सड़क के रास्ते गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो ना आए। गुरुवार शाम को जब लोग दफ्तर से अपने घर जाने के लिए निकले तो जाम में फंस गए। ये जाम शाम 6 बजे से लगा हुआ है। यहाँ नीलम वैली में आज चुनावी पोस्टर्स पर कालिख पोती गई और पाकिस्तानी झंडे जलाए गए। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया जिसमें लोगों को चोटें आई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा वर्षों से POK और बलूचिस्तान में होता आ रहा है। चुनाव के बाद 21 जुलाई को मीरपुर में 3 शव और 25 तारीख को मुजफ्फरबाद से 2 शव मिले। इन शवों पर गोलियों के निशान हैं। शव के पास से जो गोलियां मिली है वह पाकिस्तानी सेना की है। लोगों का आरोप है कि चुनावों में धांधली की गई और जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई उनको मौत के घाट उतार दिया गया। विशेष सुरक्षा दस्ते ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले में प्रधानमंत्री के मंच को बुलेट प्रूफ शीशे से ढकने को कहा गया है। एजेंसियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी सलाह को अनदेखा नहीं करेंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी पलों में बुलेट प्रूफ मंच से भाषण नहीं देने का फैसला किया था। UN की आम सभा ने इस मसले पर फैसला अगले सत्र के लिए टाल दिया है। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के ग्रुप 4 ने आम सभा के इस फैसले पर निराशा जताई है। भारत ने G4 देशों के साथ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा सत्र में इस मुद्दे को लेकर माहौल नहीं बनाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत ने G4 देशों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि UN 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में बहुत समय से लंबित सुधारों को क्रियान्वित करने में सफलता हासिल करने और 10 दिशा में आगे बढ़ने में नाकाम रहा। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मनोहर पर्रिकर ने बगैर नाम लिए एक चैनल पर सवाल उठाया, आखिर देश के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है। एक आतंकवादी के मारे जाने पर कई चैनलों के प्रसारण में मैंने जो देखा है वह सही नहीं है, आखिर कोई कैसे ये सवाल पूछ सकता है कि इसको क्यों मारा। अब एक टेररिस्ट को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे। आम आदमी पार्टी के शीर्ष सूत्रों के माने तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस के दिन नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। दरअसल राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू 25 जुलाई को मीडिया के सामने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धू ने शायराना अंदाज में BJP पर निशाना भी साधा और पंजाब से लगाव का जिक्र किया था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इन सवालों को टालते नजर आए कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं। पटना में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए लालू ने कहा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल आदि राज्यों में इस प्रकार का नौकरी में आरक्षण लागू है, इन राज्यों की तरह बिहार में आरक्षण लागू होना चाहिए। लालू ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में बात करें। उन्होंने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को इसके लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, पर जब नौकरी की बात आती है तो स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के कारण उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता है।